हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेके ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं क्लास सिक्स की साइंस का चैप्टर फाइव, दैट इज सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस, कैसे हम सब्सटेंस को सेपरेट करते हैं उसके मिक्सचर में से। लेकिन उससे पहले जो मेरे चैनल पर न्यू है, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो लेट अस। तो स्टूडेंट्स, आपने डेली लाइफ में देखा होगा, बड़ी बार ऐसा होता है कि नोटिस किया होगा कि कई बार हम सब्सटेंस को सेपरेट करते हैं उसके मिक्सचर ऑफ मटीरियल में से। जैसे आप टी का एग्जांपल ले लीजिए, उसमें हम क्या करते हैं, टी की लीव्स को सेपरेट करते हैं उसके लिक्विड में से, किसके साथ, स्ट्रेनर के साथ। जैसे आप स्ट्रेनर कहते हैं, जो यहाँ पे दिखाया गया पिक्चर में, जब आप क्या बनाते हैं, टी बनाते हैं, तो उसमें से आप टी की लीव्स को सेपरेट करते हो ना, जब चाय बनाते हो घरों में। उसी तरह ग्रेन जो आपके होते हैं, अनाज होते हैं, उनको सेपरेट किया जाता है स्टार्क्स के साथ। आपके खेतों में जब वो ग्रेन्स लगे होते हैं, चाहे वीट हो चाहे राइस हो, उसको सेपरेट किया जाता है हार्वेस्टिंग के टाइम पर। तो मिल्क जहाँ कर्ड है, उसको भी चर्न किया जाता है, सेपरेट किया जाता है, क्या बनाया जाता है उसका, बटर बनाया जाता है। जैसे कि आपको फिगर 5.2 में यहाँ पे शो कर रहे हैं, करते हो ना, लस्सी बनाते हो, लस्सी बना के जब आप उसकी करते हो, तो बीच में से क्या निकलता है, आपका मक्खन निकलता है, जिसे आप बटर बोलते हो। तो हमने चैप्टर थ्री में भी लर्न किया था कि हम कॉटन को भी सेपरेट करते हैं उसकी सीड्स से, क्या फाइबर की सीड्स फ्रॉम द फाइबर। हम क्या करते हैं, गिनिंग करते हैं कॉटन की सेपरेट करने के लिए, उसके सीड्स करते हो ना, गिनिंग बताया था ना, गिनिंग की जो प्रोसेस होती है कि कॉटन को उसके प्लांट में से अलग करना, उसे गिनिंग कहते हैं। तो आपने ये भी देखा होगा कि जो आप खाते हो साल्टेड दलिया या पोहा जिसे कहते हो, तो अगर आप उसमें से कोई चिल्ली मिल जाए खाते टाइम, तो आप क्या करते हो, उसमें से के ध्यान से उसको चिल्ली को बाहर निकाल देते हो, या आप खाते ही नहीं हो उसको। आपको पता है चिल्ली आपने नहीं खानी है, तो आप उसमें से नहीं खाते हो। मीन्स आप वही चीज़ खाओगे जो आप खा सकते हो। अगर आप चिल्ली नहीं खा सकते, आप चिल्ली को नहीं खाओगे। यहाँ पे भी आप सेपरेट करते हो सब्सटेंस को। सपोज़ कीजिए आपको यहाँ पे कोई एक बास्केट दी जाती है, जिसमें क्या है, मैंगो है, गाबास हैं, और आपको बोला जाता है कि इनको सेपरेट करना है, मीन्स मैंगो और गाबा को अलग अलग करना है। तो आप क्या करोगे, क्या आप पिक करोगे एक काइंड को और उसे क्या रखोगे, सेपरेट कंटेनर में रखोगे, क्या यही करोगे आप, क्या पिक करोगे वन काइंड के। मीन्स कहने का मतलब है कि क्या आप उसमें से मैंगोस निकालोगे और उसे किसी और बास्केट में रखोगे या किसी कंटेनर में रखोगे, कि आप यही करने वाले हो, जैसा इजी लगे। लेकिन अगर मटेरियल जो हम सेपरेट करने वाले हैं, अगर वो बहुत छोटे हो, मैंगो तो बहुत इजी था, आप इजीली फाइंड कर सकते हो, अगर वो सब्सटेंस जिन्हें हमने सेपरेट करना हो, अगर उनका साइज़ क्या हो, बहुत स्मॉल हो, तो वहाँ पे आपको सेपरेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मैंगो और गावा का साइज़ तो बड़ा था, तो इसलिए आपने इजीली सेपरेट कर लोगे। इमेजिन कीजिए कि आपको एक ग्लास दिया जाता है सैंड का, जिसमें क्या है, साल्ट मिक्स किया गया है, ठीक है, अगर आपको दिया जाता है। इम्पॉसिबल है ये सोचना कि आप सेपरेट कर सकते हो साल्ट के यहाँ से मिक्सचर ऑफ पिकिंग आउट ग्रेन ऑफ सैंड बाय हैंड। अगर आप उसमें क्या करते हो, सैंड को उसमें से पिक करते हो, तो क्या आप साल्ट को सेपरेट कर सकते हो, ये चीज़ इम्पॉसिबल है। सैंड और साल्ट को आप कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते। लेकिन हमें क्या नीड है सेपरेट करने की ऐसे सब्सटेंस की, ठीक है, पहली यही जानना चाहती है। अब साल्ट और सैंड की बात करें, हमें ऐसे सब्सटेंस को नीड ही क्या है, इनको सेपरेट करने की ज़रूरत ही क्या है, अब यही डिस्कस करेंगे हम। यहाँ पे हमें एक एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी वन, कि कॉलम जो वन है किसका, टेबल 5.1 का भी हम देखेंगे, कुछ प्रोसेस बताई हैं वहाँ पर सेपरेशन की, और पर्पज़ क्या है सेपरेशन का, वो कौन से तरीके से उनको सेपरेट किया जाता है, कंपोनेंट जो हैं वो यूज़ किए गए हैं, मेंशन किए गए हैं कॉलम टू और थ्री में भी, सब कुछ बताया गया है यहाँ पे। जो इन्फॉर्मेशन गिवन दी गई है कॉलम टू और थ्री में, वो थोड़ी जंबल्ड है, उलझी हुई है। तो आपने क्या करना है, मैच करना है हर एक प्रोसेस को उसके पर्पज़ के अकॉर्डिंग, और कौन से वे से आप सेपरेट कर सकते हो उनके कंपोनेंट्स को, कंपोनेंट्स को मतलब जिस जिस चीज़ का मिक्सचर होगा, आप उन चीज़ों को कैसे सेपरेट कर सकते हो, या आपको यहाँ पर उनके साथ मैच करना है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, देखिए आपको बताया गया है सेपरेट करने हैं स्टोन का इसमें से राइस में से। तो जब आप सेपरेट करोगे स्टोन्स को राइस में से, राइस तो आपको चाहिए, स्टोन्स आपके काम के नहीं हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, रिमूव कर रहे हो नॉन यूजफुल कंपोनेंट, इम्प्योरिटी को मतलब क्या कर रहे हो, रिमूव कर रहे हो। यहाँ पर आप ये भी आ सकता है ऑप्शन, आपका ये भी आ सकता है, रिमूव कर रहे हो इम्प्योरिटी या हार्मफुल कंपोनेंट, क्योंकि आपका स्टोन जो है अगर आप खाओगे वो आपके लिए नुकसानदायक भी है। आपका ये ऑप्शन भी आ सकता है, आपका ये ऑप्शन भी आ सकता है, लेकिन आप क्या करोगे, इसमें से आपको स्टोन रखने नहीं हैं, आपने इसको क्या करना है, फेंक देना है, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, आप वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटी, हम उस गंदगी को दूर फेंक देंगे, ये भी आप बोल सकते हो। वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट, आप ये भी बोल सकते हो, क्योंकि स्टोन जो है वो सॉलिड भी हैं। यहाँ पर जैसे आपके ये दो ऑप्शन आ गए हैं,
वैसे यहाँ पे भी आपके ये टू ऑप्शन है जो दोनों कर सकते हो। अब दूसरा है कि जैसे आप दूध से बनाते हो मक्खन, तो उस केस में क्या होता है, एक तो बटर बनता है आपका, दूसरी आपकी बनती है लस्सी। बटर भी यूज़फुल है, लस्सी भी यूज़फुल है, दोनों के दोनों यूज़फुल है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे सेपरेट कर रहे हैं दोनों के दोनों कंपोनेंट के, लेकिन ये दोनों के दोनों क्या है, यूज़फुल हैं। तो हम क्या करते हैं दोनों का यूज़ करते हैं, हम लस्सी पी सकते हैं, बटर हम खा सकते हैं। तो इसका मैच इसके साथ हो जाएगा, वही यूज़ बोथ द कंपोनेंट। सेपरेट करनी है आपको टी की लीव्स, टी की पत्तियाँ किसी काम की नहीं है, तो आप क्या कर रहे हो, रिमूव कर रहे हो इन यूज़फुल नॉन यूज़फुल कंपोनेंट को। उसके बाद आप क्या करोगे, आप जो इम्प्योरिटी है उसको फेंक दोगे। ठीक है, फिर से मैं बताती हूँ आपको, यहाँ पे सेपरेट करने हैं स्टोन किस में से, राइस में से। तो आप क्या कर रहे हो, रिमूव कर रहे हो, आप इसके साथ मैच कर दीजिए इम्प्योरिटी और हार्मफुल कंपोनेंट को, जो आप निकालोगे सॉयल एंड वेस्ट उसको आप फेंक दोगे। जब आप मक्खन निकालते हो दूध में से, तो आपका लस्सी बनती है, वो भी यूज़फुल होती है, बटर जो होता है वो भी यूज़फुल है। आप दोनों के दोनों यूज़फुल चीज़ों को निकाल रहे हो, और आप लस्सी पी सकते हो, मक्खन आप खा सकते हो। आपको इसके साथ ज्वाइन करना है, सेपरेट कर रहे हो टी लीव्स, उसको क्या कर दिए, रिमूव कर दीजिए नॉन यूज़फुल कंपोनेंट्स को। ठीक है, तो हम उसके बाद क्या करोगे, उनको फेंक दोगे, थ्रो कर दोगे इम्प्योरिटीज़ को। तो इस तरह से आप उनको सेपरेट कर सकते हो, कौन सी चीज़ों को यूज़ कर रहे हो वो भी आपको यहाँ पे आ गया। तो नेक्स्ट आप देखिए कि हम देखा कि हम जब यूज़ करते हैं सब्सटेंस को, तो हमें क्या चाहिए, सेपरेट करते हैं हम हार्मफुल जो नुकसानदायक चीज़ें होती हैं, और जो नॉन यूज़फुल चीज़ें होती हैं उनको हम क्या करते हैं, सेपरेट कर देते हैं मिक्सचर में से। सम टाइम क्या होता है, हम सेपरेट करते हैं यूज़फुल कंपोनेंट को भी, अगर हमें ज़रूरत हो उन्हें सेपरेट करने की। जैसे वही बात आ गई कि आप दूध में से क्या बना रहे हो, बटर बना रहे हो, तो बटर बना रहे हो तो वहाँ पे लस्सी भी बन रही है आपकी, तो लस्सी भी यूज़फुल है, बटर भी यूज़फुल है, तो ये भी हमें उन दोनों को क्या करना पड़ा, सेपरेट करना पड़ा। तो जो सब्सटेंस जो हैं वो सेपरेट में भी वो पार्टिकल हो सकते हैं, अलग अलग साइज़ के या मटेरियल्स के, उनकी थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर भी हो सकती हैं, सॉलिड भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है, गैस भी हो सकती है। तो कैसे हम सेपरेट कर सकते हैं सब्सटेंस को, जो आपस में इस तरह से मिले हुए हों और जिनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हों, तो हम उनको सेपरेट कैसे कर सकते हैं, यही हम आप डिस्कस करने वाले हैं हमारे आज के टॉपिक में, दैट इज़ मैथड्स ऑफ सेपरेशन। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कुछ सिंपल मैथड किसके, सेपरेट करने के, सब्सटेंस को, चीज़ों को हम कैसे अलग अलग करते हैं जो आपस में क्या होती हैं, मिक्स होती हैं। तो आपको देखते हैं ये मैथड कौन कौन से यूज़ होते हैं हमारे डे टू डे एक्टिविटीज़ में। फर्स्ट ऑफ ऑल है आपका हैंड पिकिंग, हाथ से आप क्या करते हो, सेपरेट करते हो चीज़ों को। घर में आप चावल जो होते हैं उनको साफ़ करते हो, हाथ से करते हो। आपकी जो दालें वगैरह हो गई उनको साफ़ करते हो, वो भी हैंड पिकिंग से होती है। ये एक्टिविटी आपको यहाँ पर दी गई है, एक पैकेट लाइए फूड ग्रेन का, किसी भी अनाज का, किसी शॉप से। कहाँ पर लाना, आपने क्लासरूम में। अब सेपरेट कर दीजिए, फैला दीजिए ग्रेन्स को कहाँ पर, शीट ऑफ पेपर पर, एक पेपर पर उनको फैला दीजिए। तो क्या आप फाइंड करोगे सिर्फ एक काइंड का ग्रेन है जो इसमें शीट्स ऑफ पेपर में, जहाँ उसमें पीसेस भी हैं स्टोन के, हंसके गंदगी जो होती है, जहाँ टूटे हुए ग्रेन भी होंगे, या पार्टिकल्स हैं किसी और टाइप के ग्रेन के भी। सिंपल आपका एक ही टाइप का ग्रेन है जो आप जिसका पैकेट लेने गए थे, या जो चीज़ें भी उसमें क्या है, मिक्स हैं। तो अगर हैं तो रिमूव कीजिए अपने हाथ के साथ पीसेस किसके, स्टोन के, हस्क वगैरह हो गए, धूल मिट्टी जो होती है, या और कोई ग्रेन्स हैं उनको क्या करेंगे, आप रिमूव करेंगे। और ये जो मेथड होता है, कौन सा मेथड है, हैंड पिकिंग, इसके यूज़ किया जाता है, हैंड पिकिंग का यूज़ किया जाता है सेपरेट करने के लिए थोड़े लार्ज साइज की इम्प्योरिटीज़, जैसे आपकी डर्ट हो गई, स्टोन हो गया, हस्क हो गया, ये सब हम हाथ से क्या करते हैं, निकालते हैं, सेपरेट करते हैं। इस मेथड को हम बोलते हैं हैंड पिकिंग। ठीक है, ये कहाँ पर निकालते हैं ये गंदगी, हम वीट हो गए, राइस हो गए, पल्सेस हो गए, इन सभी चीज़ों से हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं इस तरह से इम्प्योरिटीज़ को। यहाँ पे देखिए फिगर 5.3 में भी दिखाया गया है, ये आपकी हैंड पिकिंग हो रही है, यहाँ पे दिखा रहे हैं ना ये आदमी, यहाँ पे देखिए हैंड पिकिंग कर रहा है। तो क्वांटिटी जो इम्प्योरिटीज़ की है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, ऐसी सिचुएशन में हम फाइंड करते हैं कि हैंड पिकिंग ही जो है वो कन्वीनियंट है, ईजी मैथड है सेपरेट करने का सब्सटेंस का, कि आप घरों में आम करते रहते हो, इसीलिए जो चीज़ हैंड पिकिंग ही हो जाती है हम ईज़िली सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इम्प्योरिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती, हाथ से ईज़िली हम सेपरेट कर सकते हैं। तो इस यहाँ पे कौन सा मैथड की यूज़ किया जाता है हमारा, हैंड पिकिंग का। नेक्स्ट आपका मैथड है थ्रेशिंग का। तो आपने कई बार देखे होंगे खेतों में जो होते हैं बंडल्स होते हैं वीड के, पैडी के, ठीक है, खेतों में होते हैं ना जब फसलें कट जाती हैं हार्वेस्टिंग के बाद, तो स्टॉक्स जो होते हैं उनको ड्राई किया जाता है, सुखाया जाता है उन फसलों के बंडलों को सन के अंदर, जब ग्रेन जो है फिर उसके बाद सेपरेट करने से पहले। हर एक स्टॉक में क्या होता है, ग्रेन सीड्स जो होते हैं उसके साथ अटैच होते हैं, हमने देखा फसलों के जो गड्ढे से बांधे होते हैं उनके साथ क्या होते हैं, अनाज अटैच होते हैं। इमेजिन कीजिए कि जो नंबर ऑफ़ ग्रेन सीड्स हैं वो 100 ऑफ बंडल्स हैं उनके खेतों में,
तो कैसे फार्मर सेपरेट कर सकता है ग्रेन और सीड्स उन बंडल से, क्योंकि हाथों से तो एक एक किसे निकालेगा नहीं, एक बंडल से निकालना मुश्किल हो जाता है। तो जब 100 आप बोल दिए कि बहुत सारे बंडल्स हैं इन ग्रेन्स के वहाँ पे फील्ड में, तो वो कैसे सेपरेट करेगा? एक जो है, अगर कोई एक किसी को बोलो कि आपको प्लग करने हैं मैंगो या गावा कहाँ से ट्री से उतारने हैं, वो तो ईजिली है, लेकिन ग्रेन सीड्स हैं, छोटे छोटे से सीड्स होते हैं, वो बहुत छोटे होते हैं मैंगो या गावा से, तो कैसे हम उसे उनको तोड़ के प्लग कर सकते हैं? ये चीज़ इम्पॉसिबल है। तो हम कैसे सेपरेट करेंगे ग्रेन सीड्स को स्टॉक से, उनकी फसलों से, उन्हें उनसे कैसे सेपरेट करेंगे ग्रेन्स को, अनाज को? तो जो प्रोसेस है जिसका यूज़ किया जाता है सेपरेट करने के लिए ग्रेन्स को उसमें से, स्टॉक्स में से, उनकी फसलों में से, उसे हम कहते हैं थ्रेशिंग। याद रखिए अंडरलाइन करके, ये दूसरा मेथड आ गया, वो प्रोसेस जिसको यूज़ किया जाता है सेपरेट करने के लिए ग्रेन को उनके स्टॉक्स में से, उसे हम कहते हैं थ्रेशिंग। इस प्रोसेस में क्या होता है, स्टॉक्स जो होते हैं उनको बीट किया जाता है फ्री ग्रेन सीड्स के, ग्रेन को हटाने के लिए, ग्रेन की सीड्स को उसमें से हटाने के लिए। कई बार क्या होता है, ये जो थ्रेशिंग की प्रोसेस है ये बुलक से, बैलों की मदद से भी की जाती है, मशीन्स का यूज़ भी किया जाता है, लार्ज क्वांटिटी अगर हो इनकी किसकी ग्रेन की, तो मशीन्स का यूज़ भी किया जाता है। ये देखिए पिक्चर्स में दिखा रहे हैं, ये हाथों से क्या किया जा रहा है, ग्रेन की सीड्स को सेपरेट किया जा रहा है, ये थ्रेशिंग है, ये आपका मेथड है। थ्रेशिंग हाथों से भी हो सकती है, हाथों से मतलब एक एक करके नहीं है, बीटन करके करना है, बहुत सारा बंडल लेना है हाथ में, एक एक करके उनके बंडल बनाए होते हैं, उनको बीट किया जाता है, उसके बाद जो अनाज है सेपरेट होने लगता है उसकी फसलों में से, जहाँ मशीन्स का यूज़ भी किया जाता है, जहाँ आपके बैलों का यूज़ भी किया जाता है। नेक्स्ट जो आपका मेथड है सेपरेट करने का, दैट इज़ विनोइंग। आपको यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है विनोइंग के बारे में अंडरस्टैंड करने के लिए, आपको एक क्या करना है, मिक्सचर बनाना है ड्राई सैंड का, किसके साथ, दसा डस्ट जो होती है खेतों में, या पाउडर ड्राई लीव्स जो होती हैं उनका पाउडर बनाइए, उसके साथ मिक्स कर दीजिए, किसके साथ, ड्राई सैंड के साथ। उसके बाद आपने क्या करना है, जो ये मिक्सचर है उसे प्लेट पर रखिए या न्यूज़पेपर पर रखिए, ध्यान से देखिए इस मिक्सचर्स को, क्या आप जो दो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनको अलग अलग कर सकते हो मेड आउट ईजिली आसानी से, क्या जो साइज़ हैं पार्टिकल्स के दोनों कंपोनेंट्स के, क्या वो सिमिलर हैं, क्या वो पॉसिबल है उनको सेपरेट करना कंपोनेंट्स को हैंड पिकिंग से। मीन्स आपने ये बनाया सैंड का, जहाँ पर ड्राई लीव्स का जो ये मिक्सचर बनाया है, आपने इसको रखा प्लेट पे या न्यूज़पेपर पे, आपने ध्यान से देखना है, तो क्या मतलब ईजिली ये दो कंपोनेंट जो हैं वो आपको पता चल रहा है, दो की दो कौन कौन से कंपोनेंट हैं, क्या उनके जो साइज़ हैं पार्टिकल के सेम हैं, क्या पॉसिबल है उनको सेपरेट करना हैंड पिकिंग से। अब देखिए जो मिक्सचर है आप उसको कहाँ पर रखिए, ओपन ग्राउंड में रखिए या कहीं प्लेटफॉर्म पर रेज कर दीजिए। मिक्सचर को रखना अपने ग्राउंड पर, वो खुद जो है एक स्टैंड हो जाना है, एक रेज करके प्लेटफॉर्म थोड़ी ऊंचाई पे रखना है मिक्सचर को, प्लेट में या शीट ऑफ पेपर में होल्ड करना है प्लेट को या शीट ऑफ पेपर को, जिसके बीच में मिक्सचर है आपके शोल्डर की हाइट पे। उसके बाद धीरे धीरे आपका क्या करना है, मिक्सचर को स्लाइड करने लगना है नीचे की साइड, उसको आने देना है। क्या होगा, दोनों क्या दोनों कंपोनेंट जो हैं सैंड और सॉडस्ट जो हैं वो सेम तरीके से फॉल करेंगे, कोई ऐसा कंपोनेंट है जो उड़ जाएगा, और क्या विंड जो है वो मैनेज करेगी, सेपरेट कर सकती है दोनों कंपोनेंट्स को। ये जो मेथड होता है सेपरेट करने का कंपोनेंट किसका, मिक्सचर का, इसे कहते हैं विनोइंग। जो मेथड मतलब ये मेथड जिससे हम सेपरेट करते हैं मिक्सचर को, कौन सा मेथड है, यहाँ पे विंड का यूज़ किया जाता है, इसीलिए इस मेथड को विनोइंग कहा जाता है। विनोइंग यूज़ की जाती है सेपरेट करने के लिए हैवियर और लाइटर कंपोनेंट किसके, मिक्सचर के, वो विंड जब ब्लोइंग एयर से। देखिए जैसे हम सैंड की बात कर रहे थे और ड्राई लीव्स की बात कर रहे थे, ड्राई लीव्स तो साइड पे उड़ जाएंगी, सैंड जो है वो एक जगह पे पड़ेगी। जैसे यहाँ पे देखिए पिक्चर में दिखाया गया है, ये डायरेक्शन है एयर की, ठीक है, ये सूप है जिसको अपने अलग करना है, ये आपका हस्क है, वही आपकी सैंड नीचे गिरेगी, ग्रेन जा हो सकती है, जो सैंड बोल जो हैवी चीज़ होगी वो नीचे बैठ जाएगी, और जो गंदगी इम्प्योरिटी होगी वो साइड पर हवा से उड़ने के कारण साइड पर चली जाएगी। जी जो मेथड है ये कॉमनली यूज़ किया जाता है किसानों के द्वारा वो सेपरेट करने के लिए, गंदगी जो डस्ट लाइटर हल्के पार्टिकल्स होते हैं उन्हें सीड्स में से निकालने के लिए। ये देखिए आपको फिगर 5.5 जो है वहाँ पे भी शो किया गया था, जो मैंने अभी अभी आपको बताया, ये विनोइंग शो कर रहा है, ये विनोइंग का मेथड शो कर रहा है। यहाँ पे जो हस्ट पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, हवा जो होती है आंधी होती है उसे साथ में ले जाती है, थोड़ी जगह पे आगे जाके उड़ा के ले जाती है, और जो सीड्स होते हैं ग्रेन के वो सेपरेट होके एक हीप डेरी सी बनना शुरू हो जाती है, कहाँ पे, जहाँ पे प्लेटफॉर्म आपका होगा विनोइंग का। जो सेपरेटेड जो गंदगी है उसे यूज़ किया जाता है बड़े सारे पर्पज़ के लिए, जैसे कि कैटल्स के चारे में यूज़ किया जाता है उसको,
आपने देखा होगा फसलों में से जो भी ये चीज़ें निकलती हैं, ये हम किसको डालते हैं, कैटल्स को डालते हैं या एनिमल्स को डालते हैं। तो ये हमने आज डिस्कस किया कि हमें क्यों ये चीज़ें सेपरेट करनी होती हैं, इम्प्योरिटीज़ जो प्रेजेंट होती हैं मिक्सचर के अंदर हमें उसे हटाना होता है, हम कैसे करते हैं, कौन कौन से मेथड थे। आपका हैंड पिकिंग का मेथड था, विनोइंग का मेथड किया, थ्रेशिंग का मेथड किया, अभी और भी मेथड हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो जो है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।